वेलकम फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने इचमाकू इंडिकेटर में आपको बताया था कि इचमाकू इंडिकेटर में पांच अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जिसके कारण इसे इचमाकू ट्रेडिंग सिस्टम कहा जाता है। और ये सारे पांच कंपोनेंट मिलकर हमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड की जानकारी देते हैं, जिसके कारण हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के सारे ट्रेड आसानी से ले सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको कुमो क्लाउड कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी छोटी सी वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड, कुमो क्लाउड में दो तरीके से ट्रेडिंग होती है, पहले तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग और दूसरी पुल बैक ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में भी दो तरीके हैं, पहले ऊपर से नीचे अगर प्राइस ने अगर ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया, तो फिर सेल के कॉल जनरेट होते हैं फ्रेंड, और नीचे से अगर ऊपर प्राइस ऊपर जाती है, ब्रेक होती है, तो बाय के कॉल जनरेट होते हैं। ठीक है, उसी तरह से पुलबैक की जब बात की जाए, तो प्राइस जब ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाती है, वापस क्लाउड पे जब सपोर्ट लेती है फ्रेंड, तो हम लोग एक बाय के ट्रेडिंग के डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इस कुमो क्लाउड पे सपोर्ट लिया और फिर से प्राइस ने दूसरी बार कुमो क्लाउड पे सपोर्ट लिया। ठीक है, तो इस तरह से जब प्राइस कुमो क्लाउड से ऊपर होती है, तो कुमो क्लाउड सपोर्ट का काम करता है, बार बार सपोर्ट का काम करता है। और अगर प्राइस अगर क्लाउड से नीचे की तरफ आ जाती है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम करता है, आप साफ देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग और भी अलग अलग कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, और सारे कंपोनेंट को एक साथ जब लगाएंगे फ्रेंड, तब हम लोग को एक कंप्लीट कंफर्म सिग्नल मिलेगा, जिसके हेल्प से हमारी जो ट्रेडिंग होगी रिस्क भी होगी और हमारी जो एग्रेसिव लेवल होगी फ्रेंड, काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये कुमो क्लाउड की छोटी सी इंट्रोडक्शन थी फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।